हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई है। इसमें आपके इसको स्टील प्लांट जो है इसमें रिगार्डिंग वैकेंसी निकाली गई है जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, आईटीआई होल्डर्स के लिए है। आपको एक खास इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी जनवरी 2024 में काफ़ी ऐसी भर्तियाँ हैं जो कि बड़े स्तर पर निकली है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज के साथ, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं जो कि मैंने आई कार्ड में दी है, तो जल्दी से इन्हें भी देख लीजिएगा। लेकिन अभी पहले इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको स्टील प्लांट, तो फर्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, और बॉयलर ऑपरेटर होता है, S3 ग्रेड में आता है, ठीक। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये भी बॉयलर अटेंडेंट है, S1 कैटेगरी में है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ट्रेनिंग यानी कि फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है, जिसमें आपके फीटर से रिलेवेंट है, टर्नर से रिलेवेंट है, इलेक्ट्रीशियन से रिलेवेंट है, तीनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल करवाई गई है। बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 46 वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई है। जॉब लोकेशन आपका वेस्ट बंगाल में रहने वाला है, और अप्लाई मोड जो रहने वाला है ये ऑनलाइन होगा। 29 दिसंबर 2023 से ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 18 जनवरी 2024 तक जाने वाला है अप्लाई करने के लिए। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये www.sale.co.in पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। और भी कोई क्वेरीज है या फिर आप डेडिकेटेड किसी एक कोई वैकेंसी के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं मेरी मेहनत पानी में चली जाती है, तो एक लाइक तो आप कर सकते हैं, नीचे आपको लाइक का बटन मिल रहा है, ठीक। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनवरी वैकेंसीज में आपके लिए डेली लेके आता रहता हूँ। सुबह अब से 10:30-11 बजे मिल जाएगा आपको। और फर्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर जो कि S3 ग्रेड में आता है, वैकेंसी इसके लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। और सेकंड है जो कि सेम पोस्ट है बट S1 ग्रेड में है, जिसे हम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन कहते हैं। इसमें भी 3 वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ट्रेनी है, यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रीशियन S1 ग्रेड में है, और 12 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। और सेम यह अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी सभी के लिए सेम रहने वाला है। फिटर के लिए 6 वैकेंसीज है, एंड टर्नर के लिए 3 वैकेंसीज है, और वेल्डर के लिए 5 वैकेंसीज है। और इसी के साथ में जो कि आपके क्रेन ऑपरेटर, ईओटी क्रेन ऑपरेटर के नाम से आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगा, जो कि 9 वैकेंसी के साथ में रिलीज किया गया है। और लास्ट जो आपका बचता है हैवी व्हीकल ड्राइवर, जो कि HVD S1 ग्रेड में आता है, इसके लिए 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो टोटल वैकेंसीज आपका 46 हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर किया करें, मोटिवेशन बढ़ता है, चैनल भी ग्रो अप रहता है, डेली वैकेंसीज आती रहती है। अब यहाँ पर आपके लिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो कि बॉयलर ऑपरेटर S3 है, इसके लिए मेट्रिकुलेशन के साथ में डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन सभी में से किसी एक में होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। और बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। और जो कि आपके अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 की बात करें, तो मेट्रिकुलेशन के साथ में फुल टाइम आपके पास में ITI या फिर NAC सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपके बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का निकाला गया है, और जिसमें आपके लिए ITI रखा गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग, NAC सर्टिफिकेट है या ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर्स कैन बी अप्लाई। और सेकेंड बात करते हैं फीटर, तो सेम क्वालिफिकेशन है, बस फिटर ट्रेड से होना चाहिए। टर्नर के लिए भी एज इट इज होने वाला है, एंड वेल्डर के लिए भी एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि क्रेन ऑपरेटर के लिए मांगा गया है, 10वीं प्लस ITI, और जो कि अगर आपने रिगर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है और 1 साल का आपके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। एंड 8th जो लास्ट आपका बचता है हैवी व्हीकल ड्राइवर जो कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है, इनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है कि मेट्रिकुलेशन विथ हैवी मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये होना चाहिए, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। और बात करें कि आफ्टर मेट्रिकुलेशन जो है आपके ऑपरेटर ऑफ हॉल पैक डंपर, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन और बुलडोजर एंड चेन माउंटेड लोडर, व्हील लोडर और हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर एंड हाइड्रोलिक शोवेल, इनका आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इनमें से कोई एक ही बोला गया है, सभी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट जो आपको दी गई है, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए बॉयलर ऑपरेटर का S3 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। और हाँ, एज पर द गवर्नमेंट रिलैक्सेशन जो मिलता है रिजर्वेशन वालों को, वो एज इट इज ही है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक, तो ये रहेगा। एंड
अब बात कर लेते हैं आपके एज क्राइटेरिया की। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 के लिए 30 ईयर रखा गया है, एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए जो कि बॉयलर अटेंडेंट S1 में आते हैं ये आएंगे 28 ईयर के लिए, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ट्रेनीज है इनके लिए 28 साल का रखा गया है। एज इट इज़ फिटर के लिए भी सेम है, टर्नर के लिए भी सेम है, वेल्डर के लिए भी सेम है, एंड आपके EOT क्रेन ऑपरेटर के लिए भी सेम है 28 साल का। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए है तो इनके लिए भी 28 साल ही एज इट इज़ रखा गया है। ठीक है, अब सैलरी की अगर बात कर लें तो यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर S3 बॉयलर ऑपरेटर S3 के लिए 26,600 से 3% 38,920 जाने वाला है। ठीक है, एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 के लिए 25,070 से 3% 35,070 रुपये तक पे स्केल रहेगा। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि इलेक्ट्रीशियन आते हैं ट्रेनिंग के तौर पर S1, तो फर्स्ट ईयर इनका 12,900 एंड सेकेंड ईयर इनका 15,000 रुपये रहने वाला है। ठीक है, एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि फिटर से हैं ट्रेनी है इनका भी 12,900 से 15,000 तक जाने वाला है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, और एज इट इज़ आपके टर्नर, वेल्डर, EOT क्रेन ऑपरेटर और आपके हैवी व्हीकल ड्राइवर, इन तीनों के लिए भी सेम एज इट इज़ है 12,900 एंड 15,000 रुपये। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आपका रिक्रूटमेंट जो रहने वाला है, तो फर्स्ट आपका CBT रहेगा, रिटन टेस्ट होने वाला है, और स्किल टेस्ट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और ट्रेड टेस्ट तो आपको देना होता ही है। अगर बात की जाए फीस, एप्लीकेशन फीस की, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 300 रुपये है जनरल OBC EWS का, एंड SC ST PWD रिजर्वेशन वालों के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए 300 रुपये फीस जनरल OBC EWS एंड SC ST PWD के लिए 100 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो आप www.sale.co.in पर जाके अप्लाई कर पाएंगे, एंड एप्लीकेशन एक्सेप्टेड रहेगा आपका 29 दिसंबर से 18 जनवरी 2024 तक। ठीक है, एंड स्टार्टिंग डेट आपको मैंने बताई दिया 29 दिसंबर 2023 से 18 जनवरी 2024, एंड यही था कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो आपके रिगार्डिंग इस पूरे रिक्रूटमेंट के दौरान दी गई है। और एक खास सूचना कि अब आपको एंड स्क्रीन पर और भी वैकेंसीज की एक प्लेलिस्ट मिल रही है, इसको आप जरूर मस्ट वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।